Good morning, dear students. Welcome to Computer Studies. Today we are going to learn about computer ethics, crime and security. That is your chapter number 8. So the contents of chapter are definition of ethics, second part is software piracy and its types, list of various computer issues will come under third point, fourth is list of major ethical issues in computer. Fifth one is defining hacker and cracker. So all these things are there. Very first, let us start with introduction. Computers are used nowadays in almost all the fields of your life, right? This age is called as the age of computers only. Computers are used in education, business, manufacturing, designing, entertainment, research and development, all these things. It is one of the greatest inventions of our time. But some great inventions are used by the bad people to cause harm. Or similarly, computers can also be used to cause harm. So, ethics will come under focus. So students, let us try to understand what does this ethics means. You must be aware of certain ethics related to the use of computers. Ethics are beliefs and rules. These rules state what is right and what is wrong. So students, the short and sweet definition for ethics is these are beliefs and rules. Okay? And rules, what does rule specify? What is right and what is wrong? So we should always prefer right things. Okay? Ethics are important in our day-to-day life. ओके जैसे कि आप ट्रैवल करते हो रोड पर तो कैसे रूल ट्रैफिक के फॉलो करते हो. अगर फॉलो नहीं करते हो तो कभी कभार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो सफ़र होना पड़ता है. सो अगर हम लोग रूल फॉलो करते हैं प्रॉपरली सो वी नो नीड टू सफ़र फ्रॉम एनीथिंग. सो रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट. द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मेक्स इट पॉसिबल फॉर अनइथिकल एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट इन मोर सोफिस्टिकेटेड वे. चिल्ड्रन शुड दस बी अवेयर ऑफ मोरल एंड इथिकल इश्यूज. इसीलिए बच्चों आपको हमें मोरल और इथिकल इश्यूज सिखाने पड़ते हैं ना, वो ज़रूरी है. इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ एंड मस्ट डेवलप अ गुड सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये अच्छी चीज़ें बहुत ज़रूरी है सीखना. देर आर ऑलवेज पीपल हु आर वायोलेटिंग द रूल्स ऑफ सोसाइटी फॉर मनी. कुछ लोग पैसों के लिए रूल्स तोड़ देते हैं, समटाइम्स जस्ट फॉर फन, ठीक है. लेट अस डिस्कस सम ऑफ द मेजर इथिकल इश्यूज इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स नाउडेज. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सबसे पहला पार्ट है. प्रॉपर्टी इज एनीथिंग यू ओन, ठीक है. जो भी प्रॉपर्टी, जैसे कि किसी के प्रॉपर्टी मतलब परचेस की हुई लैंड या कोई फ्लैट, इस तरह से नहीं. प्रॉपर्टी में भी एनीथिंग यू हैव राइट ओवर योर प्रॉपर्टी, ठीक है. किसी के पास गोल्ड ज्वेलरी है, किसी के पास फ्लैट है, किसी के पास कार है, ये सारी आपकी प्रॉपर्टी है. यू हैव राइट्स ओवर योर प्रॉपर्टी, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय लॉ. और उसके साथ साथ लॉ का प्रोटेक्शन आपको मिलता है कि कोई और आके उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता है. इट बिलोंग्स टू यू ओनली, राइट. सिमिलरली आइडियाज एंड थॉट्स प्रोड्यूस्ड बाय द माइंड आर आल्सो प्रोटेक्टेड बाय लॉज. कुछ लोग होते हैं जो अच्छी चीज़ें इन्वेंट करने में बिलीव करते हैं. तो एक आइडिया इसके पास आया, किसी बंदे ने उसे इम्प्लीमेंट किया, कोई दूसरा उसे चुरा लेगा और खुद का आइडिया बना के प्रेजेंट करेगा तो वो गलत बात है, ठीक है. तो वो भी एक तरीके के लॉ के अंडर में प्रोटेक्शन उसे मिलता है. सो आइडियाज और थॉट्स भी इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हुई, ठीक है. सो द राइट्स रिलेटेड टू लिटररी और आर्टिस्टिक वर्क, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज आर कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. सो गाइज, हियर कम्स अनदर डेफिनेशन. वेरी फर्स्ट वॉज रिगार्डिंग इथिक्स, सेकेंड इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ओके, तो आई बात समझ में आपको. आगे के पॉइंट की तरफ चलते हैं. कॉपीराइट, क्या है कॉपीराइट? यू मस्ट हैव सीन दिस सी
inside the circle symbol. This symbol is widely used. It means all rights reserved. ये सिंबल जब भी आपको देखने को मिले कि समझना ये कॉपीराइट का सिंबल है और ऑल राइट्स रिजर्व्ड, सारे राइट्स जो वो कंपनी बिलोंग करती है जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट आया है वो वहाँ पे आपको ये सिंबल कॉपीराइट का देखने को मिलेगा, ओरिजिनलिटी. ओके, दिस सिंबल शोज द मटेरियल टू बी द सोल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओनर. इट इज अनलॉफुल एंड अनइथिकल टू यूज देम विदाउट द परमिशन ऑफ इट्स ओनर. If some material is downloaded and used, you must acknowledge the author sincerely. This is called as referencing. अगर आप किसी तरह का material use कर रहे हो तो जो भी उसका author है उसे आपको referencing में रखना पड़ता है कि हम इस author का reference लेके ये चीज़ें कर रहे हैं. So you have to mention references are very important things, right? So intellectual property के बाद copyright और उसके बाद में रेफरेंसिंग, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. एक चीज़ आपको ये भी बता दूँ, जब भी कोई बुक भी पब्लिश होती है ना तभी भी अगर आप किसी दूसरे का रेफरेंस यूज़ कर रहे हो, मटेरियल जो कि आपको अच्छा लगा है, कुछ पैसेज आपके रिलेटेड आ रहे हैं, तो वो बुक पब्लिश करते वक्त भी ये चीज़ें देखी जाती हैं. और रेफरेंसिंग में ओरिजिनल ऑथर का नाम जो है, पर्टिकुलर पैराग्राफ रिलेटेड जो भी आपने रेफरेंस में डाला है, कोई इमेज रखी है तो उसके रिलेटेड आपको वहाँ का रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ता है. ओके, नाउ कम टू द सॉफ्टवेयर पायरेसी. व्हाट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी? एक्चुअली यू हैव हर्ड दिस टर्म मेनी टाइम्स, राइट? सो लेट अस लर्न दिस फर्स्ट. Software piracy is the illegal reproduction and distribution of software applications. जो भी software के applications हैं उसका illegally production करना और distribution करना, ये software piracy के under में आता है. Software piracy has a significant impact on economy. इसकी वजह से जितनी कमाई होनी चाहिए नहीं होती है. जैसे कि movie की आप लोग CDs, DVDs लेके आते हो, ठीक है, pirated copy, you might have used these things, right? If I am not wrong, okay? पता है मुझे, आप लोग आके movies इसी में पहले देखते हो ना? Okay, I know. It leads to the job of losses and revenues, losses to the software companies. इसकी वजह से होता क्या है, actual जो होना चाहिए चीज़ें software companies के through जैसे आती है market में, तो वो उनका उतना रेवेन्यू लॉस होने लगता है. जितने में उनका, मतलब पायरेटेड कॉपीज अगर बन के बिक रही है तो वो कम चीज़, कम पैसे में आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये गलत चीज़ है. सो प्लीज़ अवॉइड टू डू दैट. ओके, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी आर एंड यूजर पायरेसी, इंटरनेट पायरेसी, प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी. ठीक है, ये अलग अलग तरीके के पायरेसी हैं. तो एंड यूजर पायरेसी जो सबसे पहला टाइप है वो हम लोग देखते हैं. ऑल सॉफ्टवेयर्स आर लाइसेंस्ड व्हेन समवन कॉपीज सॉफ्टवेयर विदाउट एप्रोप्रिएट लाइसेंस फॉर ईच कॉपी, इट इज कॉल्ड एज एंड यूजर पायरेसी. आपके पास लाइसेंस नहीं है और फिर भी आप यूज कर रहे हो तो एंड यूजर पायरेसी. उसे यूज करने का लाइसेंस होना चाहिए तभी आप उसे यूज कर सकते हो. इंटरनेट पायरेसी, अनऑथोराइज्ड कॉपीज डाउनलोडेड ओवर द इंटरनेट फॉल्स अंडर इंटरनेट पायरेसी. जो भी अनऑथोराइज्ड कॉपीज होते हैं, जो डाउनलोडेड होते हैं आप, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, वो सारे इंटरनेट पायरेसी के अंडर में आता है. आफ्टर दैट इज प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी. व्हेन द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर टेक्स अ कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एंड illegally installs it on more than one computer, it performs pre-installed software piracy. ठीक है, ये कैसे होता है, जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर ने क्या किया है, एक ही कॉपी लिया लेकिन वो सब चीज़ों में यूज़ कर रहा है, सारे अलग अलग कंप्यूटर्स में एक प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहा है, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, इट परफॉर्म्स pre-installed सॉफ्टवेयर पायरेसी. ठीक है, तो ये तीन तरीके के सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है आपको ये ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन आंसर्स में ज़्यादातर इसे यूज़ होगा. ठीक है, तो ये तीन तरीके की पायरेसी है. नाउ काउंटर फेटिंग, पीपल मेक डुप्लीकेट सीडीज ऑफ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर एंड सेल देम एट लो प्राइस.
दिस एक्टिविटी फॉल्स अंडर काउंटरफेटिंग. कुछ बंदे क्या होते हैं, डुप्लीकेट सीडीज बना के, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का डुप्लीकेट सीडी बना के बेचते हैं, ठीक है, और वो भी कम कीमत में, और ये एक्टिविटी काउंटरफेटिंग कहलाएंगी. ऑनलाइन ऑक्शन पायरेसी, दिस इज सेलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज नेवर ऑथोराइज्ड फॉर रीसेल बाय अ थर्ड पार्टी. सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स आर नो वारंटी प्रोटेक्शन एंड कैन कंटेन वायरसेस. अब ऑक्शन पायरेसी क्या है, ये भी एक और तरीका है, मतलब पायरेसी का एक और टाइप है, ऑनलाइन ऑक्शन पायरेसी जिसे कहते हैं. अब जब सेलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, ओके, इट इज नेवर ऑथोराइज्ड फॉर रीसेल, कभी भी रीसेलिंग के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बनता है थर्ड पार्टी के लिए. और फिर भी क्या होते हैं, फिर लिमिटेशंस आ जाते हैं ना, सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स. पायरेटेड के तो कुछ लिमिटेड यही हो गए ना, क्योंकि वायरसेस भी आ सकते हैं और प्रोटेक्शन का कोई वारंटी नहीं है. लेकिन जो ओरिजिनल आपको मिलेगा विद कॉपीराइट्स के साथ, उसमें कभी भी वायरसेस नहीं आएंगे, पूरी गारंटी होगी और पूरा पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा. सो दैट इज़ द डिफरेंस. नेक्स्ट वन इज प्राइवेसी. व्हाट डज प्राइवेसी मीन्स, प्राइवेसी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. इट इज अनइथिकल टू इन्फ्रिंज द प्राइवेसी ऑफ अदर पीपल विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन. किसी पर्सन से कंसेंट नहीं किया और हम लोग उसमें इंटरफियर कर रहे हैं, तो ये प्राइवेसी, हर एक का अपना पर्सनल पार्ट जो है लाइफ में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. प्राइवेसी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर लाइफ, राइट? सो वन शुड नॉट इंटरफियर टू अदर्स लाइफ. If you are given the permission to access someone else's computer and allowed to view his or her information, you must not disclose it to other people. तो ये privacy आपको maintain करना है. और work culture में, work atmosphere में, कभी भी आप कहीं भी work करो तो ये privacy maintain करना आप पर है, but it should be maintained. It is ethical, okay? So all these things are regarding introduction, piracy, copyright, intellectual property rights and computer ethics. So students, we have learned these things in today's lecture. Please read out this chapter at home completely. Next time we are going to study about computer crime. Thank you.